हाई फ्रेंड्स, वेलकम टू द सुमित्रास किचन। क्रीमी जूसी चिकन मलाई टिक्का आपने ज़रूर ट्राई की होगी। इस बार मेरी रेसिपी आप ज़रूर बनाकर देखें और आई होप आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। यहाँ मैंने लिया है 500 ग्राम चिकन, ये बोनलेस चिकन मैंने लिया है, और ये है हरी धनिया पत्ती, हरी मिर्च और लहसुन अदरक का पेस्ट। साथ में यहाँ लिया है 7-8 काजू का पेस्ट, 1 कप दही, ये बिल्कुल पानी निकला हुआ है, और यहाँ लिया है 2 बड़े चम्मच बटर, ये है 2 बड़े चम्मच मलाई और आधा नींबू का रस, काली मिर्च का पाउडर 1 चम्मच, नमक स्वाद के अनुसार और 1 टीस्पून विनीगर। तो सबसे पहले हम गाढ़ा जो दही का थक्का रहेगा उससे हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पूरा दही डाला है, साथ में 2 बड़े चम्मच मैं यहाँ पर हरी मिर्च, धनिया पत्ती, अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। अब डाला यहाँ पर काजू का पेस्ट 2 से 2.5 बड़े चम्मच, और काली मिर्च थोड़ा सा बचा कर रखा है, इवन मैंने जो पेस्ट है ना वो भी सब मैंने थोड़ा थोड़ा बचा कर रखा हुआ है। नींबू का रस, नमक, काली मिर्च डालकर इस सब को हम अच्छे से मिला देंगे, और इसी टाइम पर अगर आप थोड़ा सा बटर भी यहाँ डाल देते हैं तो मैरिनेशन में ये जो चिकन को मॉइस्चर बहुत अच्छा मिलता है और ये बहुत ही जूसी बनता है, सॉफ्ट बनता है। और यहाँ मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून विनीगर, इसे डालकर एक 15 से 20 मिनट तक छोड़ दें। उसके बाद हम यहाँ पर कर रहे हैं, ओके मैंने यहाँ चाट मसाला डालना भूल गई थी, तो अब मैं चाट मसाला भी मैंने ऐड कर दिया है और इसे मैंने 15 मिनट के लिए छोड़ दिया था। अब इसे हम देंगे कोयले से एक स्मोकी टेस्ट, तो इसके लिए मैंने वो लकड़ी का कोयला जला लिया है, ऊपर से एक कटोरी रख के ऊपर कोयला रख के ऊपर थोड़ा तेल डाल दिया। ठीक है, अब देखिए ये जो धुआं है ये इसी तरह इसे आधा घंटे के लिए हम छोड़ देंगे, नहीं क्योंकि पूरी रेसिपी तो आधा घंटे की, कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद हम ये कटोरी को हटाकर फिर से मिक्स करेंगे ताकि सारा स्मोकी जो है अच्छे से मिक्स हो जाए, और फिर आपके पास अगर स्क्यूअर्स है तो आप उस पर लगा कर भी इसे आप तंदूर कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट पूरा का पूरा चिकन थोड़े थोड़े पोर्शन में आप इस तरह से पैन में डालकर भी फ्राई कर सकते हैं। तो मेरे पास स्क्यूअर्स था तो मैं वही यूज़ कर रही हूँ, ऑयल और बटर मिलाकर पैन में डाल रही हूँ, और ये हल्का सा गर्म होते ही यहाँ पर मैं स्क्यूअर्स को इसके अंदर सेट करूँगी। और एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी हम इस तरह से चिकन को फ्राई करते हैं तो आँच हमेशा फुल होनी चाहिए, नहीं तो इसमें से पानी रिलीज़ हो जाएगा और ये पूरा जूस, इसका दही का पानी, चटनी का पानी, वो सब निकल के आ जाएगा और आप संभाल भी नहीं पाएंगे और ये ग्रेवी यहीं पर बन जाएगी। तो टिक्का बनाने के लिए एक पहला बड़ा टिप है कि आँच जो है गैस का फुल होना चाहिए। तो चलिए साथ में एक साइड सैलेड बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने लच्छे में प्याज काट लिया है और डाइसेस में टमाटो, साथ में डाला है थोड़ा सा विनीगर, नमक, काली मिर्च और चाट मसाला डालकर खूब अच्छे से मिक्स करेंगे। लेमन जूस अगर आपके पास है तो वो ज़रूर डालें, मेरे पास नहीं था। खूब अच्छे से मिक्स करेंगे, एक 10-15 मिनट के लिए यूं ही छोड़ देंगे, चाहते हैं तो उसे फ्रिज में रख दें, टेस्ट अच्छा इन्हेंस होता है। देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए हमारा जो जूसी चिकन मलाई टिक्का है ऑलमोस्ट रेडी है, और यहाँ पर मैं थोड़ा सा बटर रब कर रही हूँ ताकि जो सभी साइड है अच्छे से कुक हो जाए और इसमें मॉइस्चर बना रहे। इसे अब मैं थोड़ा सा ढक रही हूँ ताकि जो चिकन अंदर से कुछ अगर कच्चा भी रहेगा तो वो पक जाएगा। ये बनके तैयार है, अब मैं इसे प्लेट पे निकाल रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसी तरह से ड्राई चिकन मलाई टिक्का जो है इसे आप खा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आज इससे चिकन मलाई टिक्का ग्रेवी भी बनाऊंगी, तो सलाद के साथ ये बहुत अच्छा जाता है। इस रेसिपी को आप इस तरह अगर खाना पसंद करते हैं तो हरी चटनी के साथ ज़रूर सर्व करें, खाने में बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए अब सेम पैन में हम स्टार्ट करते हैं अपना ग्रेवी बनाना। तो पहले मैंने उसी पैन को थोड़ा सा क्लीन कर लिया क्योंकि कुछ काला काला ऐसा बच गया था उसमें चिकन फ्राई का। बचे हुए ऑयल में थोड़ा सा बटर डालकर, जो मैंने मलाई लिया था ना 2 बड़े चम्मच, पूरा मलाई हम डालेंगे। ये सारा काम हमें लो फ्लेम पे करना है, ठीक है। अब इसे हम अच्छे से फ्राई करेंगे और बहुत देर तक नहीं, जस्ट खाली डालेंगे और ऊपर से जो मैंने काजू का पेस्ट बचा के रखा था 1-1.5 चम्मच जो भी बचा है वो पूरा डाल दें।
तो काफ़ी क्रीमी और ग्रेवी बनेगी, बहुत अच्छा लगेगा। अब यहाँ पर स्वाद के अनुसार काली मिर्च डाल दें, और हाँ वो जो दही जिससे हमने मैरिनेट किया था ना उसे क्यों फेंकना, वो भी डाल दें, तो इससे भी ग्रेवी बहुत अच्छी और थिक रिच बनकर तैयार होगी। अब यहाँ पर डालेंगे एक स्पेशल चीज़, वो है 1 कप दूध। तो यहाँ पर आप जितना ग्रेवी रखना चाहते हैं उस हिसाब से आप 1 कप, आधा कप, कुछ भी आप यहाँ पर दूध ज़रूर डालें। अब हम मैं यहाँ पर सारे चिकन के पीसेस को ग्रेवी के अंदर डाल रही हूँ, और इस तरह से हम धीरे धीरे चिकन को निकालेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले ही काफ़ी टेंडर हो चुका है, सॉफ्ट हो चुका है। आप देख सक रहे होंगे कि जहाँ जहाँ मैं निकाल रही हूँ थोड़ा थोड़ा वहाँ से वो टेयर होने की कगार पे है, तो उसे बहुत ही सॉफ्ट हाथों से हैंडल करना है, और खूब अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। यम्मी, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही अच्छा बन के तैयार है, और ये बिल्कुल तैयार है अब सर्व करने के लिए, रेडी हो चुका है। लेकिन फाइनल टच जाएगा इसमें, हम डालेंगे चीज़। तो यहाँ इस तरह से चीज़ हम ग्रेट कर लेंगे और अच्छे से इसे मिला देंगे। इसके बाद अगर आपको थोड़ी सी ग्रेवी और चाहिए तो इसमें आप एक आधा कप तक दूध मिला सकते हैं। तो चलिए अब इसे मैं सर्व करती हूँ। ये हमारा यहाँ पर चिकन मलाई टिक्का व्हाइट सॉस में तैयार है चीज़ के साथ। बहुत ही यमी है, इसकी खुशबू भी बहुत गजब की आ रही है। थोड़ा सा ऊपर से गार्निश करेंगे हम चीज़, हरी धनिया पत्ती डालें, या तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी चटनी ही डाल रही हूँ। और यहाँ पर अब हम करते हैं प्लेटिंग, खाने की तैयारी करते हैं। तो आज का डिनर में है गरम गरम चपाती और चिकन मलाई टिक्का विद टमाटो अनियन सैलड। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए, अभी तो मुझे सुजॉय ही बताने वाला है। देखिए कितना सॉफ्ट और टेंडर बना है, सुजय इसे तोड़ कर दिखाओ। यस, कितना टेंडर है, बहुत ही मुलायम बन के तैयार है, अंदर तक बहुत अच्छे से कुक हो चुका है। तो इस रेसिपी को आप इस तरह ट्राई करें, कैसा लगा? चलो तो सुजय को पसंद आया है, जॉय को पसंद आया है, आई होप आपको भी पसंद आया। मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।